दोस्तों, आखिर मंगल ग्रह पर जाने में 7 महीने क्यों लग जाते हैं? सबसे पहली बात यह है कि मंगल और धरती की डिस्टेंस फिक्स नहीं होते हैं। ये डिपेंड करती है धरती और मंगल की स्पीड पे, जो कि दोनों की अलग अलग है। मतलब जब धरती और मंगल सबसे दूरी पे होते हैं तब उन दोनों की दूरी 401 मिलियन किलोमीटर होती है, और जब पास होते हैं तब 55 मिलियन किलोमीटर होती है। तो धरती से मंगल पर रॉकेट 26 महीने में एक बार ही भेजा जाता है, जब धरती और मंगल सबसे नज़दीक होते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम रॉकेट को स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं भेज सकते, क्योंकि दोनों ग्रह की स्पीड स्टैटिक नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो रॉकेट सही रास्ते में भटक जाएगा। तो इसलिए रॉकेट तब लॉन्च किया जाता है जब धरती और मंगल की दूरी 55 मिलियन किलोमीटर होती है, और 471 मिलियन किलोमीटर दूरी तय करने के बाद, यानी 7 महीने के बाद मंगल ग्रह पर पहुंचता है।